हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, लीनियर एलजेब्रा का हम लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, डेफिनेशन देखते हैं। आ सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन इज अ कलेक्शन ऑफ एम इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। बेसिकली इस तरह का जो कलेक्शन होता है वो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि उस लीनियर इक्वेशन को, जैसे ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस ए वन थ्री एक्स थ्री, ये एक लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास। इस तरह से सेकेंड लीनियर इक्वेशन है, थर्ड लीनियर इक्वेशन है। इस तरह से इनका जो एक सिस्टम होता है, जो एक कॉम्बिनेशन होता है, वो कहलाता है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब जैसे प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द लिस्ट ऑफ एन नंबर्स इन एस वन एस टू डॉट डॉट एस एन दैट सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेसिकली हमारे पास इस सिस्टम इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ऐसे नंबर्स जो कि एस वन यानी एक्स वन की कोई, अगर इस यहाँ पे बात करें, सपोज कि एक्स वन की वैल्यू एस वन है, एक्स टू की वैल्यू एस टू है, इस तरह से एक्स एन की वैल्यू एस एन है, यानी कि इस तरह से वैल्यू है लगातार। और ये अगर सभी का ये वैल्यूज सभी सिस्टम सभी कंडीशंस को सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं एस वन एस टू एस एन, ये जो है वो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अ सिस्टम कंसिस्टिंग एम बराबर टू, यानी कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं वो है दो वेरिएबल, सॉरी एम वेरी एम बराबर टू, यानी कि जो इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो टू एंड एन बराबर थ्री, वेरिएबल जो है वो थ्री है। हमने ये हमारे पास ले लिया एक्स वन माइनस फाइव एक्स टू माइनस सेवन एक्स थ्री प्लस जीरो इक्वल टू जीरो एंड फाइव एक्स टू प्लस इलेवन एक्स थ्री इक्वल टू वन। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हेयर द लीनियर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एम बराबर थ्री इक्वेशन एंड एन बराबर टू अननोन्स। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहां से अगर हम देखें, यहाँ पे फ्रेंड्स इसके सॉल्यूशन की बात नहीं की गई है, बट अगर हम सॉल्यूशन भी निकालना चाहें तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हम ले सकते हैं एक्स वन, सपोज कि लेट फर्स्ट ले लिया हमने एक्स वन बराबर जीरो, एक्स वन बराबर जीरो अगर हम ले लिया तो हमारे पास हो जाएगा माइनस फाइव एक्स वन प्लस सेवन एक्स थ्री इक्वल टू जीरो एंड फाइव एक्स टू प्लस इलेवन एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करने पे हमारे पास ये आ जाएगा एट्टीन एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, यानी एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ गए हमारे पास, सॉरी यहाँ पे इधर वन है, फ्रेंड्स यहाँ पे वन है तो ये वन नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, ये आ जाएगा एक्स थ्री बराबर वन अपॉन एट्टीन। इस तरह से एक्स थ्री वाला आ गया। अब ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी और एक्स वन की वैल्यू जीरो है ही। अगर हम एक्स वन की वैल्यू वन लें तो उस कंडीशन में भी हमारे पास एक्स फाइव एक्स टू फाइव एक्स टू माइनस फाइव एक्स टू माइनस सेवन एक्स टू एक्स एक्स थ्री, और ये हो जाएगा अगर हमने वन लिया है तो इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक सिस्टम बन गया जिसमें हमारे पास दो अननोन्स हैं और दो ही वेरिएबल्स हैं, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से इस सिस्टम के हमारे पास अनंत सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यानी एस वन एस टू जो जिसकी बात कर रहे थे अनंत हो सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है अनंत सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और जो सारे सॉल्यूशन का जो सेट है, जो सारे सॉल्यूशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो सेट ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है, सेट ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, हेयर इज अ लीनियर सिस्टम कंसिस्टिंग एम बराबर थ्री, यानी कि थ्री इक्वेशंस एंड एन बराबर टू एंड टू अननोन्स। तो इस तरह से माइनस फाइव एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू माइनस वन, पाई एक्स वन माइनस फाइव एक्स टू इक्वल टू जीरो, सिक्सटीन सिक्सटी थ्री एक्स वन माइनस रूट टू एक्स टू इक्वल टू माइनस सेवन। फ्रेंड्स ऐसे सिस्टम्स का हमारे पास मोस्टली सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं, क्योंकि जब हमारे पास
ज्यादा इक्वेशंस आ जाती है तो उस कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाता है, नहीं कई बार नहीं भी निकलते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। नीचे भी एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमारे पास चार जो इक्वेशंस है वो 4 है और अननोन जो है 6 है, तो इस तरह से कुछ इक्वेशंस हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 1.2, वेरीफाई दैट 1, 2, -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए सिंपली 1, 2 और 3 ये वैल्यू इसमें क्वेश्चन पुट करेंगे। जब ये पुट करेंगे तो 2 × 2 बने, यानी 2+, और जब x2 की जगह 2, यही ये x1 है, ये x2 एंड x3, यहाँ पे पुट करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -4, तो ये 2 है, 2 के इक्वल है, बिल्कुल राइट। और अगर जब इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1+, यहाँ पे हो गया 6+4, तो ये भी 11 है, तो यानी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट। तो इस तरह से कह सकते हैं ये पॉइंट जो है वो इन दोनों सिस्टम का सॉल्यूशन है एक। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है फ्रेंड्स, अ लीनियर सिस्टम मे नॉट हैव अ सॉल्यूशन एट ऑल, यानी एक कोई सिस्टम ऐसा हो सकता है जैसे हमने ऊपर बात की थी जैसे सॉल्यूशन नहीं था। इफ दिस इज द केस वी से दैट द सिस्टम द लीनियर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उस कंडीशन हम कहते हैं कि लीनियर सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, इफ एंड ओनली इफ अगर उसका नो सॉल्यूशन हो। अ लीनियर सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एटलीस्ट वन वन हो या वन से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में वो सिस्टम कहलाता है कंसिस्टेंट। एग्जाम्पल है हमारे पास, सो दैट द लीनियर सिस्टम डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास इस तरह से है, -x1+x2=3 एंड x1 - x2=1, ये हो गए हमारे पास। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, या सपोज कि हम दोनों को इक्वल में पुट करते ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों चीज़ें कट जाएंगी, ऐड करने पे 0, यानी कि ये इधर का ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0=4, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, लेट टी बी एनी आर्बिट्री रियल नंबर एंड लेट s1=-3/2 - 2t, s2=3/2 + t एंड s3=t, सो दैट फॉर एनी चॉइस ऑफ पैरामीटर टी द लिस्ट s1, s2, s3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। ये हमें चेक करना है, लीनियर सिस्टम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x1+x2+x3=0 एंड x1 - 3x2 - x3=0। तो बेसिकली ये सिस्टम हर टी की हर वैल्यू के लिए, तो सिंपली हम s1, s2, s3 यानी सिस्टम है, यानी x1 की वैल्यू यहाँ पुट करें, x1, x2, x3 ये वैल्यू अगर पुट करें हम यहाँ पे x1, x2, x3, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं आप -3/2 - 2t, ये s1 + ये + ये भी 0 है, और साथ में इस कंडीशन को अगर पुट करें -3/2 - 2t, इस तरह से ये भी 0 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें टी की हर वैल्यू के लिए, t=1, 2, 3 के लिए इसकी अलग अलग सॉल्यूशन आ जाएंगे, तो इस कंडीशन हम कह सकते हैं इसके जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैट्रिक्स।